राजधानी लखनऊ के भीखमपुर में अवैध मकानों की बस्तीकरण का मामला, सैकड़ों की संख्या में पीड़ित पहुंचे सपा कार्यालय। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे भीखमपुर के पीड़ित लोग, सैकड़ों की संख्या में पीड़ित पहुंचे सपा कार्यालय। न्याय की आश में पहुंचे सपा कार्यालय भीखमपुर में मकानों पर चल रहा बुलडोजर। पीड़ित परिवारों का कहना है, हमें सरकार की तरफ से नहीं मिल रहे मकान, हमारे चार चार मंजिल के तोड़ दिए गए मकान, लेकिन हमको मकान के नाम पर मिल रहा आश्वासन। भैया क्या नाम है आपका? संजय नाम है मेरा। आपका भी वहाँ निवास स्थान था? हाँ भैया, मेरा भी निवास वही स्थान था और उसे भी जमींदोज हो गया है। वो उन्होंने ऐसा अनैतिक किया मेरे साथ कि अभी भी वो डेट लगी हुई है कि कमिश्नरी में कि आज सुना जाएगा, लेकिन उन्होंने आनंद फानंद में कि नहीं, तानाशाही सरकार के आगे हम तोड़ते हैं। आदेश आने से पहले ही आपके घर गिरा? आदेश आने से पहले ही गिरा दिया गया भैया, अभी कोई आदेश नहीं हुआ। आज ये सभी पीड़ित लोग आपके साथ समाजवादी कार्यालय पहुंचे हैं और अखिलेश यादव से शायद मिले भी हैं, लोग क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि माननीय जी लोगों ने कि इस परिवार के साथ, समाजवादी परिवार इनके साथ खड़ी है और अगर अब इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अगर सही से इन लोगों को मकान नहीं जाएगा, जो इन लोगों को सरकार के द्वारा जुमलाबंदी करके उस दिन घर को तोड़ दिया गया, घर से सामान हटाकर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको मकान दिया जाएगा, लेकिन अब जब ये लोग जा रहे हैं तो उनको यहाँ पर सिर्फ चाबी दिखाकर फोटो लेकर खींचकर इन लोगों को वहाँ से भी हटा दिया गया है और इन लोगों को मकान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अभी और बात करने पर उन लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपया अभी पहले रजिस्ट्रेशन का दीजिए, फिर 5,000 रुपया अपना बिजली का कनेक्शन के लिए दीजिए, फिर आपको ना हमने किस्त में बांधेंगे तब इनको ये मकान देंगे। इनका घर भी तोड़ लिया गया और इनको मकान के लिए अब खुद को सरकार से ये मकान खरीदे। आपके कहने के अनुसार इनका घर तोड़ दिया गया लेकिन इनको उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, जा रहे थे उसके पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं उनसे। और आप, मैं 5 तारीख को मैं गई थी जब, तो हमारी भी गिरफ्तारी करके महानगर थाने पे मुझे बैठाया गया, जब हमको इन लोग बुलडोजर पूरी घर तोड़ लिए तब थाने से हमें छोड़ा गया था। कार्रवाई आज भी चल रही है वहाँ? आज कार्रवाई वहाँ कुछ नहीं चल रही है, कल पूरी कार्रवाई करके लोग पूरे 80 का 80 घर को तोड़ दिए एक साथ। नोटिस लगभग कितने घरों को दिया गया था? 80 घर को नोटिस दिए थे ये लोग। भीखमपुर में जो घर तोड़ा गया था उसको सरकार ने अवैध बताया है और उसको लेकर आप लोग यहाँ समाजवादी पार्टी पहुंचे हैं कार्यालय पे, अखिलेश यादव से मिले, क्या है पूरा मामला? हमारा मामला ये है सर कि हम लोगों का घर अब तो तोड़ दिया गया है जो कि घायल से 135 मीटर की दूरी पे था, घायल डूब क्षेत्र से बाहर गया था, 135 मीटर बहुत होता है। हम लोगों को फिर वहाँ पे अधिकारियों ने बताया गया कि आपके पास चुल्लूखेड़ा में आप लोगों को फ्री में मकान दिया गया, चुल्लूखेड़ा में जो मकान है वो बहुत छोटा है, एकदम गरीबी रेखा वाले भैया, हम लोग गरीबी रेखा वाले तो नहीं हुआ, चार चार मंजिल का सबका घर बना हुआ है, सब अच्छे से रह रहे थे, घर को भर सामान है, तो उन्होंने फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों को घर दिया। अभी तक मतलब लिखित के तौर पे हमारे पास कुछ नहीं है कि वो घर हमारा है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि हम जिस तरीके से जो उनकी ऑफिशियल है मोदी जी की जो उनकी स्कीम है 10,000 रजिस्ट्रेशन में खर्चा होता है 50,000 रजिस्ट्री में खर्चा होता है, फिर 8,000 महीना किस्त देनी पड़ती है। अगर सब कुछ हम लोगों पे लागू हो गया तो हम लोग कैसे पैसे देंगे? सरकार का कहना है कि वो मकान जहाँ बने तो जगह अवैध थी, आपका खुद का नहीं था। हम लोगों का खुद का था या नहीं था ये तो कोर्ट, सरकार डिसाइड करती, मतलब हाई कोर्ट हमारे यहाँ का डिसाइड करता है। कैसे साल से हम लोग रहे थे? लगभग 100 से 120 साल हो गए थे, हमारी मम्मी का जन्म वहाँ हुआ, हमारी इतनी उम्र हो गई, मेरी नानी वहाँ रहती थी, भीखमपुर मेरा गाँव था। आपको सरकार ने कोई नोटिस भी दिए थे? सरकार नोटिस उन्होंने पहले जारी करी थी, हम लोगों की तारीख चलती थी कोर्ट में, वहाँ पर कमिश्नरेट के यहाँ वहाँ पे 29 तारीख दूसरा महीना 2024 को हम लोगों की दोबारा की डेट लगी हुई थी, उससे पहले ही आके पेपर में 2 दिनों का टाइम दिया गया, उससे पहले सिर्फ 9 घंटे में, लगभग 9 से 10-12 घंटे में 70 से 80 घर तोड़ दिए गए। आनंद फनन में सब जैसे तैसे सामान निकाल के लोग गया गया, बस हमारी मांग ये है कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पर भी हमें दिया जाए वहाँ कम से कम पैसे तो ना लिए जाए, सब खुद में टूटे हुए हैं, सबका घर टूट गया है, कोई पैसा कैसे देगा आज भी।